एक दिन पंडित को प्यास लगी। संयोगवश घर में पानी नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी पड़ोस से पानी ले आई। पानी पीकर पंडित ने पूछा, कहाँ से लाई हो, बहुत ही ठंडा पानी है। पत्नी कहती है, पड़ोस के कुम्हार के घर से। पंडित ने यह सुनकर लोटा फेंक दिया और गुस्से में जोर जोर से चीखने लगा, अरे तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, कुम्हार शूद्र के घर का पानी पिला दिया। पत्नी भय से थर थर काँपने लगी। उसने पंडित से माफ़ी मांग ली कि अब ऐसी भूल नहीं होगी। शाम को पंडित जब खाना खाने बैठा तो घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पंडित कहता है, रोटी नहीं बनाई, भाजी नहीं बनाई। पत्नी कहती है, बनाई तो थी, लेकिन अनाज पैदा करने वाला कुड़बी शूद्र था और जिस कढ़ाई में बनाया था वो लोहार शूद्र के घर से आई थी, इसलिए सब फेंक दिया। पंडित, तू पगली है क्या, कहीं अनाज और कढ़ाई में भी छूत होती है। यह कहकर पंडित बोला कि पानी तो ले आओ। पत्नी कहती है, पानी तो नहीं है जी। पंडित, घड़े कहाँ गए हैं। पत्नी, वो तो मैंने फेंक दिए क्योंकि कुम्हार के हाथ से बने थे। पंडित बोला, दूध ही ले आओ, वही पी लूँगा। पत्नी, दूध भी फेंक दिया जी, क्योंकि गाय को जिस नौकर ने दुहा था वो तो चमार शूद्र जाति से था ना। पंडित, हद कर दी तूने, यह भी नहीं जानती कि दूध में छूत नहीं लगती है। पत्नी कहती है, यह कैसी छूत है जी, जो पानी में तो लगती है परंतु दूध में नहीं लगती। पंडित के मन में आया कि दीवार से सर फोड़ ले। गुर्रा कर बोला, तूने मुझे चौपट कर दिया है, जा आंगन में खाट डाल दे, मुझे नींद आ रही है। पत्नी कहती है, खाट, खाट तो उसे मैंने तोड़कर फेंक दिया क्योंकि उसे शूद्र सुतार जात वाले ने बनाया था। पंडित चीखा, वो फूलों का हार लाओ, भगवान को चढ़ाऊंगा ताकि तेरी अकल ठिकाने आए। पत्नी, फेंक दिया, उसे माली शूद्र जाति ने बनाया था। पंडित चीखा, सब में आग लगा दो, घर में कुछ बचा भी है या नहीं। पत्नी कहती है, हाँ यह घर बचा है, इसे अभी तोड़ना बाकी है क्योंकि इसे भी तो पिछड़ी जाति के मजदूरों ने बनाया है। पंडित के पास कोई जवाब नहीं था, उसकी अकल तो ठिकाने आई, बाकी लोगों की भी आ जाएगी। सिर्फ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके देश में जातिवाद खत्म हो जाए। धन्यवाद।